नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद, फौज बिल्लाहि मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सुन अपना सरमन अजीत भट्टी। आज अस मौजूद हूँ मंजवाल बन गंगा ने मुकाम पर, जिथे आगे बहुत पुराना मंदिर है। ये जड़ी जगह है, ये शहर खुरेटा तो 1.5 किलोमीटर ने फासले पर कायम है। तो ए देखो, ये जड़ा मंदिर है, ये किस तरीके ने डिजाइन किया गया, इसकी जी तारीख है वो 150 या 200 साल पुरानी तारीख दसी जानी है। ए देखो, उस टाइम किस तरीके उन्होंने इसकी डिज़ाइन किया, इसकी जड़ी इमारत है वह बनाई है, किस तरीके उन्होंने इसकी जबरदस्त तरीके ने डिज़ाइन किया है। लेकिन अज ने दौर ये मंदिर बहुत खस्ताहाली ने शिकार है। ए देखो, किस तरीके ने पत्थर इतने ढठे हुए हैं, जी इसकी बिल्डिंग है वह बहुत खस्ताहाली ने शिकार है। अंदर ना तुसों की मनाजर दसने होंगे, अंदर भी कोई इसनी सूरत हाल अच्छी नहीं। तो यह तक ही सकने तुसों के क्या कोई सूरत हाल है। तो असनी अपील है कि इसकी सही किया जाए, क्योंकि ये एक पुरानी चीज़ है, लोगों की तवज्जो मरकज़ है, लोग इस अच्छी तरह इस जगह की तकने चाहे। तो असनी अपील है कि इस जगह की सही किया जाए। तो और तुम मनाजर दसने इस वीडियो भी वीडियो पूरी तके। मंजवाल बन गंगा ने मुकाम पर, जिसे कि बहुत पुराना एक मंदिर कायम है। ये मंदिर दसने कि अस जिस तरीके ना अपने बड़े बजुर्गों को सुनता है कि यह मंदिर बहुत पुराना मंदिर है। ये इसकी जी तारीख है वो 150 या 200 साल ने लगभग है। तो ये उस टाइम बहुत आबाद जगह सी, उस टाइम जिस टाइम इतने हिंदू सन, जिस टाइम पूरा पाक व हिंद एक सी, बड़े सगीर सी, सब कॉन्टीनेंट सी, उस टाइम में जी जगह है ये सही तरक्की ना बराबर गामजन सी। तो अज ये जगह जी है ये टूट फूट ना शिकार है, इतने खस्ता हाली है, इतने राह जरा बहुत प्रॉब्लम है अच्छे पर, वो अस दसा इस वीडियो कि बहुत खराब रहा है। तो अस हुकूमत के वक्त अगर जो बरसरे इकतदार लोग हैं उन्होंने रिक्वेस्ट है कि इस जगह पर तवज्जो दो, क्योंकि एक तारीखी विरसा है। तो इस अगर असं तवज्जो देसा तो ये अच्छे लिए नस्लों इसकी दसन के इतने वाकई हिंदू और मुसलमान इकट्ठे थे, उन्होंने जो त्यौहार सन वो इतने इस जगह पर होने सन। इस जगह पर बेशुमार पानी है, तो वह भी तुम अस दसने। तो इस मंदिर ने नाल एक दरबार भी बनाई गई है, जिथे लोग अच्छी नमाज पढ़ने, अल्लाह ताला की याद करने। तो हिंदू तो अज ले गए नहीं थू, लेकिन मुसलमान अज भी इस जगह की आबाद की है। मुसलमान इतने बाकायदा अच्छी तरह भाई हो रहे अजान दी, उन्होंने नमाज पढ़ाई है। तो बहुत अच्छी जगह है जी। तो माड़े नाल मौजूद हैं जनाब मोहम्मद फारूक साहब, माड़े बहुत प्यारे अजीज हैं। तो इन्होंने को भी पूछने कि इस जगह की क्या कोई तारीख है। तो चलो पूछने मोहम्मद फारूक साहब को। सब देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत अस्सलाम वालेकुम। असा ये पटवारी से गल करनी है, तो इस वजह थू है कि जो पुराना मंदिर है जी, साढ़े बुजुर्गों दसने कि बुजुर्ग आने के बहुत पुराना मंदिर है, ठीक है, हिंदू मुसलमान सारे जड़ा ने कट्ठे रहने, ठीक है, और पुराना मंदिर है इतों कोई 47 ही पहले ना, ठीक है। अस खुद तो नहीं तकिया, लेकिन जो सारे बुजुर्ग सन या पड़ोसी सन, बड़े बड़े पुराने बंदे, उन्होंने दसिया कि बहुत प्यारी जगह सी, इतने मेले शेले भी लगने होने से बड़े। वाह जी, जिस तरह हूँ अस ना दिहाड़ियाँ बाग हो गया, बेला हो गया, इतना मेला लगना, इस तरह इतना मेला भी लगना होना, ठीक, बहुत पुरानी गल है अस कह सकिया। लेकिन यह कि अस सुनने दार इस तरह आया कि बहुत पुरानी जगह, बहुत मशहूर जगह, अगर असल रस्ता नहीं दर्शन जाने ना, ठीक है, रस्ता है ना बेहतरीन जा, फिर हर बच्चा भी ख्वाहिश रखना तकड़े जी मंदिर तक क्या जा मंदिर है, ठीक है, और बड़े भी शौक रखने, ठीक है। असा खुद तक मजवाले एरिए मैं रहना, तो मैं खुद तकना रहना उतु कोलू गड़िया नंगनिया आने जी मंदिर तकने से जुले हैं, सिर्फ रास्ता नहीं सही कोई, अगर रास्ता अच्छा हो तो हर बंदा अच्छा, फिर दुकान बन लोगों की सहूलत मुहैया हो, हर कोई जरा बेला आदमी है वो जरा ना कारोबार इस्तेमाल करी सकें, दुकान बनी सकें, फ्रूट इस्तेमाल हो सकना, यानी कि फायदा आवाम की फायदा, बंदियों की फायदा। मंदिर ने बिल्कुल सजी साइड पर जी, ऐ तक ही सकने हो कुछ वली अल्लाह ने बैठक भी रही है इस जगह की, अल्लाह ताला ने कुछ नेक बंदे अच्छी तरह दोबारा आबाद किया। ऐ तक ही सकने हो इतने एक जाए नमाज बनाई गई है, जिसे लोग अच्छी तरह नमाज शमाज पढ़ी सकने, इतना पानी बहुत ज़्यादा आ। तो अल्लाह ताला के दुआ है कि अल्लाह ताला असं की भी अपनी याद ही जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। हाँ जी राशि साहब, तुम बौन गंगा के मुतल क्या कुछ जानते हो,
ते तुसें क्या कोई सुनेआ अपने बड़े बजुर्गों को इस जगह के बारे में, ओह असें दसो माड़े नाजरीन की दसो तकने वाली की ते जी जगह आ इस बारे च असें सारी कोई मलमा दो। जनाब मोहम्मद राशिद साहब। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आपको तो मालूम होगा ही कि आज हम ऐसी जगह पर मौजूद हैं, एक बहुत ही पुरानी जगह है, बहुत ही तो अर्सा से पुरानी है कि ये इस नाम को ये देखें हमारे पीछे ये मंदिर है, ये बहुत ही हिंदू के दोनों का ये मंदिर है, यहाँ के मुसलमान और हिंदू गठे रहते थे जी, वो गठे अपने काम करते थे, बैंस जो कुछ भी आता बकरी शकरी गठे चलाया करते थे। एक दफ़ा का ऐसा बकवाकत था कि वो यहाँ एक बैसाखी भी होया करती थी, आजकल जो हमारे लोग के इन्हीं की रिवाज से कि आज बरकरार रखते हुए कि बेला स्टेडियम में भी करा रहे हैं बैसाखी, जैसे कि यहाँ एक खेला भी मुझे आज खेले पे भी बैसाखी होया करती थी, जैसे कि हमने बड़ों से सुना है वो भी हिंदू कराया करते थे। ये बहुत ही बड़ा नाम है यहाँ का, लेकिन हमें इस इलाके की कदर नहीं है बिल्कुल जी, बेशक बेशक। हमें हुकूमत से भी मैं अपील करता हूँ और हुकूमत वक्त जो भी इंतज़ामिया है हुकूमत की उससे भी अपील करता हूँ यहाँ ऐसा मरकज़ बनाया जाए कि लोग भी जहाँ आकर इस वक्त को याद रखें कि वाकई भी ऐसी खूबसूरत जगह के वक्त को याद रखा जाए कि यहाँ भी कोई खूबसूरत जगह है कश्मीर में जी। ठीक, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हमारे सरमद नज़ीर भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने हमसे ये सवाल पूछा कि यहाँ आप अपने इजहार ख्याल करें कि मैं इनको बताना चाहता हूँ कि जैसा मैंने भी सुना है कि अपने बुजुर्गों से कि क्या जब उनकी कोई फोटकी हो जाया करती थी हिंदुओं की, वो हमारे बुजुर्ग यहाँ आया करते थे उनकी हौसला अफजाई करने के लिए और उसके बाद उनकी अफसोस करने के लिए, और हमारा कोई हमारे भी मुसलमानों का कोई फोटकी हो जाया करते थे तो ये भी जाया करते थे, ऐसा ही इन ये रिलीफ करते थे कि मुसलमानों से नहीं गले लगते थे या खुद अपने से टैच होकर मिलते थे एक दूसरे के अपने अफसोस करते थे। बहुत ही अच्छा वक्त उन्होंने गुजारा है, देखेंगे आज भी ये पानी जहाँ एक चश्मा है हमारे कैमरा मैन आपको दिखाएंगे ये पानी ऊपर कितना ही अच्छा गुजर रहा है, ये देखें सब आप पानी के, ये बहुत ही खूबसूरत पानी है, एक जहाँ बहुत ही जहाँ से तकरीबन फेटे तक सप्लाई होता है। एक मेरे आपसे बहुत ही बड़ी मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जहाँ जो भी आता है जो भी छोटा आता है बड़ा आता है इस जगह ख़ास ख्याल रखें, जगह का अपनी सफाई का, जो भी आप कोई चीज़ लाते हैं खाने के लिए यहाँ पे प्लीज़ अपने शॉपर जो अपने साथ लाया उसी में डालकर किसी ऐसी जगह में डाल दें कि किसी को पता ना चले कि गंद यहाँ पर आए जी। सफाई का ख्याल रखें, हमारे रसूल पाक ने भी इरशाद फरमाया सफाई निसफ ईमान है, सुभान अल्लाह। जो सफाई का ख़ास ख्याल रखेगा वो दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। इसी बात में आप इजाज़त चाहता हूँ, वाहसलाम। प्यारे दोस्त जनाब मोहम्मद राशिद साहब सफाई के मतलब से दसी दे सन, वाकई आका करीम सल्लम फरमाया सफाई के मतलब कि सफाई निसफ ईमान है, ते सफाई ने असा ख्याल रखी तो अपनी सेहत का भी ख्याल रखी सकने और माहौल की भी साफ करी सकने। तो माड़ी सौ रिक्वेस्ट है जिस टाइम सौ बाण गंगा छो किला करजाई छो दिहाड़ी बाग ग्राउंड जो या जिथे भी जो दुनिया ने जिस भी शहर वाले मुकाम पर तुसा जो उत्थे सफाई का जरूर ख्याल रखो, जड़ा तुसा खाने समान करने हो उसी खाली कुसै थैले बिच बो खाली डस्टबीन च बो ताकि उस जगह की जी कुदरती खूबसूरती है वह डैमेज ना होवे वह मुतासर ना होवे। इसे पर तुसा को इजाजत चाहूँ मिलने तुसा नाल एक नई वीडियो नाल एक नए अंदाज नाल, उस वक्त तक तुसा इजाजत इंसान, अल्लाह हाफिज़।